लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इशाई और लाहौर बार के सदर नौमान कुरैशी के वालिद हकम कुरैशी मरहूम के ताज़ियती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस शेख असमत सईद, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जस्टिस साकिब निसार, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर मलिक, जस्टिस शेख नजमुल हसन, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस आतिर महमूद, जस्टिस शेख शाहिद वहीद, जस्टिस इफ्तार शाह, सेशन जज लाहौर सैयद हामिद हुसैन शाह समेत वकला की काफी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर हकम कुरैशी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि हकम कुरैशी की शख्सियत वकला के लिए एक मिसाली नमूना है। जब किसी के जाने के बाद उनकी याद में अफसोस किया जाता है, मौन किया जाता है, उसे बहुत बेहतर होता है कि उसकी लाइफ को सेलिब्रेट किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इंसाफ फराहम करना वकला और जजेस का फरीजा है। मेरी वकालत के अवाइल में ही मुझे मौका मिला और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज और शौक था कि मेरे खिलाफ हुकम कुरैशी साहब पेश हो गए। सालाना इशाइये में लाहौर बार के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के हामियों ने जबरदस्त नारेबाजी की। लाहौर बार का इशाइया उम्मीदवारों की प्रोजेक्शन मीटिंग और सालाना खाने के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ शाहीन अतीक और जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42।